प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोगों से मन की बात की। पीएम की मन की बात का ये 30वां संस्करण था। पीएम ने अपने मन की बात में शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के अभूतपूर्व बलिदान को याद किया। पीएम ने मन की बात कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों के डिजिधन आंदोलन में शरीक होने पर जताया आभार। कहा कि काले धन भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को मिलकर ले जाना है आगे। भीम ऐप का प्रचार करने के साथ साथ नकद लेन देन कम करने का भी किया आह्वान। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सीमा सुरक्षा को मजबूती प्रदान करने और बांग्लादेश एवं पाकिस्तान के साथ लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा को मजबूती प्रदान करने के लिए नई रूपरेखा है तैयार। आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा, भाजपा कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। कहा कि जीत जितनी बड़ी होती है जिम्मेदारी उतनी होती है। हर परिस्थिति में करना होगा काम। अगले 2 साल तक न गर्मी देखनी है न सर्दी देखनी है, सिर्फ जनता के लिए करना है काम। आदित्यनाथ ने कहा कहीं भी अगर कुछ भी गलत दिखे तो बस उन्हें करें खबर। सीएम ने भ्रष्टाचारियों पर बोला हमला। कहा यूपी को लूटने वाले प्रदेश छोड़ दें, नहीं तो उन्हें जाना होगा जेल। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 240 करोड़ से ज्यादा के NH-74 घोटाले के मामले में 7 अधिकारियों पर कार्यवाही करते हुए 6 अधिकारियों को किया निलंबित। घोटाले में एक रिटायर्ड अधिकारी का नाम भी शामिल। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि केंद्र सरकार गैर परंपरागत ऊर्जा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर दे रही है जोर। पर्यावरण 2017 विश्व सम्मेलन के समापन सत्र में कहा सरकार 2022 तक 225 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन के लक्ष्य पर लगातार कर रही है काम। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। आतंकियों की नापाक हरकत की कोशिश को किया नाकाम। 2 आतंकी ढेर, आतंकियों ने किया था पुलिस सर्च पार्टी पर हमला। केरल में सत्तारूढ़ एलडीएफ सरकार को लगा करारा झटका। राज्य के परिवहन मंत्री एके शशीन्द्रन ने दिया इस्तीफा। लगे थे दुर्व्यवहार के आरोप। इस्तीफा का फैसला एक निजी टीवी चैनल द्वारा कथित तौर पर एक महिला के साथ छेड़खानी का ऑडियो क्लिप सार्वजनिक होने के बाद किया। बाजार नियंत्रण संस्था सेबी ने धोखाधड़ी के मामलों में रिलायंस पर 1000 करोड़ का भारी जुर्माना लगाया है। 2007 के केस में सेबी ने रिलायंस और रिलायंस से संबंधित 12 संस्थाओं को दोषी पाया है। पाकिस्तान में दर्जनों बेकसूर नागरिकों की जान लेने वाले कई हमलों में लिप्त रहा अलकायदा का शीर्ष आतंकवादी कारी जासिम पूर्वी अफगानिस्तान में एक अमेरिकी ड्रोन हमले में मारा गया। धर्मशाला टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म। भारत का स्कोर 248 पर 6 विकेट। ऑस्ट्रेलिया से अभी भी 52 रन पीछे। सदी शुरुआत के बाद चाय के बाद भारत ने खोए 4 विकेट। तीसरे दिन का खेल रहेगा महत्वपूर्ण। दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस का रीगल सिनेमा 31 मार्च के बाद इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। रीगल सिनेमा की ढांचागत सुरक्षा को लेकर सिनेमा हॉल के मालिकों ने ये फैसला लिया है।